घाघरा प्रखंड के सेरेंगदाग की ग्रामीण महिलाओं ने अंचलाधिकारी सह प्रभारी खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी प्रणव ऋतुराज से मुलाकात कर सेरेंगदाग में ही पीडीएस दुकान संचालित करने के लिए आग्रह किया। सेरेंगदाग से घाघरा प्रखंड कार्यालय पहुंची ग्रामीण महिलाओं ने अंचलाधिकारी प्रणव ऋतुराज को बताया कि सेरेंगदाग से चूल्हा माटी व अन्य जगह से राशन के उठाव के लिए आने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे हम ग्रामीणों को पहाड़ी क्षेत्र से राशन उठाव के लिए लंबी दूरी के साथ परिवहन की समस्या उठानी पड़ती है, जिससे सेरेंगदाग ग्राम में ही जन वितरण प्रणाली के राशन की दुकान सरकार की ओर से संचालित हो, जिससे हम सभी पहाड़ी क्षेत्रों के ग्रामीणों को इसका लाभ अधिक से अधिक मिल सके। अंचलाधिकारी प्रणव ऋतुराज ने ग्रामीण महिलाओं से उनकी समस्या जानकर उसके निदान का आश्वासन दिया। घाघरा गुमला से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। हम ना सर दूसरा जगह से राशन उठाते हैं तो नहीं ना हम बोल सकते, मेरे लिए तो मिलता था देवा जगह, मतलब अतिटकिरी से लेते थे तो वो बोले ना कि थी आपका राशन चमा आ गया है तो वहीं से उठा लीजिए कह के बोले, तो उसको बोले थी चमा वाली डीलर को, तो वो बोली कि उसके पास जा, तो हम मतलब हाफ डाउन किए पैदल, एक डीलर से दूसरे डीलर जाते रहे। हाँ जाते रहे और राशन नहीं मिला और अभी बाल बच्चा को भी छोड़ के आए थे, फिर ऐसे ही लौटना पड़ा। तो कहाँ से आए? मेरा नाम सुविंदा देवी, हम सेरेंगदाग से आए हैं राशन को लेके। राशन हमको 3 महीना मिला है और 1 महीना छूट गया था, तो वो राशन को मांग रहे थे तो नहीं दी है आज तक नहीं। और अभी मेरा नाम है कांति देवी और सेरेंगदाग से आई हूँ, और चामा में हम लोग राशन लेने जाते हैं और 4 महीना से 4 महीना को उठाए हैं और 1 महीना का फ्री में राशन मिला है और 2 महीना का फ्री नहीं मिला है, 3 महीना का नहीं मिला है राशन नहीं दिया है, नहीं और पैसा वाला राशन मिला हम लोग का और 3 महीना का फ्री वाला नहीं मिला है, 1 महीना का मिला है। करीब कितना आदमी आप लोग आए? अब गिनती तो नहीं किए हम लोग, तो पूरा तो यही जगह है, गिनती तो नहीं किए हैं अभी, कैसे बताएं।